हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नोचल बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आई एम लोकेन सिंह पवार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 21st चैप्टर ऑफ क्लास 10th मेंटल एबिलिटी एंड दैट इज क्लॉक टेस्ट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा करने वाले हैं क्लास 10th का क्लॉक टेस्ट चैप्टर। ओके, ये चैप्टर आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि आपने डाइज और क्यूब्स पढ़े हुए हैं तो उनसे ये डिफरेंट एक हटके चैप्टर है। और क्लॉक टेस्ट जो है ना, ये तो आप काफ़ी अच्छे से एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ रूटीन में ही आप देखते हुए आए हो, लेकिन है ना, इसको आपने डीपली स्टडी नहीं किया है सिर्फ, क्योंकि आपने हर एक मोमेंट पे टाइम चेक करने के लिए अपनी वॉच में ज़रूर इस तरह से देखा ही है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट नीडल्स रहती है, तो उन सब के बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है जैसा कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTA CNSE जैसे प्रिया रिमो के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप नजर आएगा। क्लास के ग्रुप कोड की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTP06, क्लास 7th T.M/TTP07, क्लास 8th T.M/TTP08, क्लास 9th T.M/TTP009 एंड क्लास 10th T.M/TTP010। आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज़ में। तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त ओनली ऑन 3,500 रुपीज़ में। इसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज़ है, यहाँ पर सभी के लिए 30% का डिस्काउंट है। कितना? 30% का डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LSLive, मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर आप 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLive कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LSLive कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। आपको क्या करना है परचेज करने के लिए, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, 9549041111, फटाक से फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है और ये जो नंबर है ये आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में मिलने वाली क्वेरी में हेल्प करेगा। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज ऑफ क्लॉक टेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लॉक टेस्ट क्या होता है देखो, सबसे पहले हम इसकी भी बात करेंगे किस तरह से आपको इसमें कंसेप्ट मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फटाफट से पहले देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड टू इंक्रीज द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ क्लॉक टेस्ट। ठीक है, इंक्रीज करेंगे हम हमारी एबिलिटी को किससे रिलेटेड, क्लॉक टेस्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स, एंगल्स आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स के एंगल्स कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स, ये सब आपके यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, आप डेली लाइफ रूटीन में आप वॉच का हमेशा यूज़ करते हो, हर एक टाइम हर एक मोमेंट पे, चाहे आप सोओगे खाओगे उठोगे बैठोगे, हर एक मोमेंट पे आपको वॉच का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि बिना टाइम के तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, हर जगह हम टाइम तो देखते ही हैं। ठीक है, अब आपको पता है एक वॉच में नंबर ऑफ नीडल्स कितनी होती है, 3 होती है, मतलब कि 3 हैंड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक हैंड तो आपके पास मिनट का होता है, एक आवर का होता है और एक सेकंड का होता है। बिल्कुल करेक्ट है यार, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो ओनली ऑन टू हैंड्स का ही करेंगे। ठीक है, सेकंड हैंड का भी यूज़ तो होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली होगा। ठीक है, मेनली कंसेप्ट आपके टू हैंड्स ही रहने वाले हैं, एक तो रहने वाला है आपका मिनट हैंड और एक रहने वाला आपका आवर हैंड। ठीक है, हवर हैंड एंड मिनट हैंड, इन दोनों का कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किन्हीं भी टू हैंड्स के बीच में परपेंडिकुलर एंगल कब बनेगा, पर 90 डिग्री का, दोनों जो हैंड्स है वो परपेंडिकुलर कब रहेंगे एक दूसरे के इस तरह से। ठीक है, दोनों जो हैंड है वो एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे ये हमें देखना है। एंगल्स जो रहेंगे आपके वो किस तरह के रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन फेज में मैं आपको इतने अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स में आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, मतलब कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो इतने ईजी रहेंगे कि अगर आपने यहाँ पर सिर्फ उन पॉइंट्स को ध्यान से देख लिया, ध्यान से समझ लिया ना, तो आपके सारे डाउट्स, मतलब कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आपके क्लॉक टेस्ट से रिलेटेड, आप बहुत ही इजीली और अच्छे से इन्हें सॉल्व कर दोगे। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। ठीक है, इन इंट्रोडक्शन फेज में आपको जो यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है ये आपसे क्या कहता है, देखो, मिनट हैंड एंड हवर हैंड को इनसाइड वंस इन एवरी आवर, मतलब कि आपका जो मिनट हैंड होता है, सबसे पहले देखो एक या आपके पास वॉच है, क्या है ये आपके पास वॉच, ठीक है, क्लियर, एक और ये। अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर टाइम क्या हो रहा है, ये आपकी हवर हैंड है, ठीक है, और ये आपके पास यहां पर मिनट हैंड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने क्या देखा, यहां पर आपको टू टाइप्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक वॉच में टू हैंड्स मिल रहे हैं, कौन कौन से हैंड्स मिल रहे हैं, एक तो है आपके आवर हैंड और एक है आपके पास मिनट हैंड। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो दोनों आवर हैंड है हमारे पास और ये मिनट हैंड जो है, इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये कोइंसाइड कब होंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि ये दोनों हैंड्स परपेंडिकुलर कब होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो समझने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे, मिनट हैंड्स एंड हवर हैंड्स को इंसाइड्स वंस इन एवरी आवर। मिनट हैंड और हवर हैंड जो होता है ना आपका, मिनट हैंड और हवर हैंड, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, को इंसाइड, कोइंसाइड्स, ठीक है, क्लियर है। कोइंसाइड मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होना, जैसे कि इस तरह से। ओके, हर एक आवर में होते हैं, हर
हर एक घंटे में ये मिनट हैंड और आपका हावर हैंड जो रहेगा ये एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, कोइंसाइड होगा, ठीक है, एवरी हावर, क्लियर। चलो देख, कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितने टाइम्स होते हैं? 11 टाइम्स, मतलब कि देखो 12 आवर में दोनों हैंड्स जो रहेंगे वो आपके 11 टाइम्स कोइंसाइड रहेंगे। और 24 आवर्स की अगर हम बात करते हैं तो 24 आवर्स में ये 22 टाइम्स कोइंसाइड रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक हावर में हम ये कहेंगे कि दोनों जो हैंड्स रहेंगे वो कोइंसाइड होंगे। 12 आवर्स में अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास एक क्लॉक है तो उसमें जो दोनों हैंड्स रहेंगे वो दोनों हैंड्स जो हैं वो कोइंसाइड कब होंगे, तो हम क्या कहेंगे? एवरी हावर में। अगर पूछा जाए कि 12 आवर्स में कितने टाइम्स कोइंसाइड होंगे तो वो होंगे 11 टाइम्स कोइंसाइड। अगर हमसे पूछा जाए कि 24 आवर्स में कितने टाइम कोइंसाइड होंगे तो वो होंगे 22 टाइम्स। क्लियर है? ये याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक लफड़ा जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि यहां से एक गायब हो रहा है, वो जा कहां रहा है। तो हमेशा याद रखना, दे डोंट कोइंसाइड बिटवीन 12 एंड 1 o'clock। 12 और 1, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, 12 o'clock और 1 o'clock, इसमें ये दोनों जो हैंड्स रहेंगे ये कभी भी कोइंसाइड फॉर्म में नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक 12 का तो यहां से कंसेप्ट हो गया क्लियर, और 24 वाला यहां से, 1 के यहां से क्लियर हो गया। ओके, क्लियर है? तो याद रखना ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों हैंड्स हर एक हावर में एक बार कोइंसाइड होंगे। अगर 12 आवर्स में पूछा जाए तो 11 टाइम्स, 24 आवर्स में पूछा जाए तो 22 टाइम्स। क्लियर? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो इसको नोट करो फटाफट से। चलते हैं फिर आगे। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, मिनट हैंड एंड हावर हैंड आर अपोजिट वंस इन एवरी आवर। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों जो हैंड हैं, ये दोनों हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे? पहले क्या बोला? कोइंसाइड कब होंगे। सेकंड केस में क्या है? अपोजिट कब होंगे। तो ये दोनों हैंड्स हर एक हावर में एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देन द टू हैंड्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑफ 30 मिनट्स। मतलब कि हर एक, हमने क्या कहा, हर एक आवर में ये एक बार अपोजिट होते हैं दोनों हैंड्स, ठीक है। मतलब जब इनके बीच में कितना गैप हो? 30 मिनट्स का गैप हो। मतलब कि एवरी 30 मिनट्स में हम कहेंगे कि ये दोनों क्या रहेंगे? दोनों हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। क्लियर? दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री का। जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, एक हैंड आपके पास ये रहा हावर हैंड और ये आपके पास मिनट हैंड है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 30 मिनट्स में इतनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। मैथ्स में आपको काफ़ी अच्छे से पता है ये चीज़। ओके, तो फाइनली याद रखना, दोनों हैंड्स आपके अपोजिट होंगे एवरी आवर में, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, वो कितना रहेगा? 30 मिनट्स का। और इनके बीच में जो बनने वाला एंगल रहेगा वो रहेगा आपके पास 180 डिग्री का। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 12 आवर्स में दोनों, 12 आवर्स में दोनों जो हैंड्स हैं वो कितने टाइम्स अपोजिट रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके 12 आवर्स में 11 टाइम्स। 12 आवर्स में कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। अगर कोइंसाइड की बात की जाए या अपोजिट की बात की जाए तो याद रखना दोनों जो हैंड्स हैं कोइंसाइड भी 12 आवर्स में 11 टाइम्स होंगे और 24 आवर्स में 22 टाइम्स होंगे। तो अपोजिट, दोनों हैंड अपोजिट भी एक दूसरे के 12 आवर में 11 टाइम्स रहेंगे और 24 आवर्स में 22 टाइम्स रहेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट डजेंट हैपन बिटवीन 6 to 7 o'clock। 6 और 7 दोनों के बीच में, 6 बजे और 7 बजे के बीच में ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? इसीलिए यहां पर 12 है और इधर क्या है? 11 है 12 के साथ में, और इधर 24 के साथ में 22 है। रीजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप स्टार लगा लीजिए दोनों में,
कोइंसाइड वाले में भी और इसमें भी। ओके समझ में आइए आपको, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, थर्ड पॉइंट देखो, बोथ हैंड्स, बोथ हैंड मतलब कि दोनों हैंड, मिनट हैंड भी आ गया और आवर हैंड भी आ गया, आर परपेंडिकुलर, दोनों हैंड परपेंडिकुलर होंगे ट्वाइस इन एवरी हवर, हर एक हवर में टू टाइम्स दोनों हैंड एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। क्लियर है? देखो कोइंसाइड की बात की गई, ठीक है, कोइंसाइड की बात की गई तो वन टाइम, अपोजिट की बात की गई तो वन टाइम, लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो ये कितने टाइम्स होगा, टू टाइम्स होगा। क्लियर? कोइंसाइड में 12 आवर्स में 11 टाइम और 24 आवर्स में 22 टाइम्स, इसी तरह से यहां पर 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहां पर देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे मेक एन एंगल ऑफ 90, मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना, 20 टाइम्स 22 टाइम्स मतलब कि हर एक, ये वाला जो कंसेप्ट है ये इसका है, ठीक है, इस वाले पार्ट का है ये कंसेप्ट, इसका मैं आपको यहां नीचे बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों हैंड्स 12 हावर्स में, दोनों हैंड्स 12 हावर्स में कितने टाइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये होंगे 22 टाइम्स, कितने टाइम्स 22 टाइम्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि 24 आवर्स में कितने टाइम्स परपेंडिकुलर होंगे, तो 44 टाइम्स। ओके क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छे से समझ में आया पूरा? फटाफट से इसको नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से, बिल्कुल, चाहे आपसे कोइंसिडेंट का कंसेप्ट पूछा जाए, चाहे आपसे अपोजिट का कंसेप्ट पूछा जाए, या परपेंडिकुलर का, क्वेश्चन सीधा यही आएगा आपके, अगर आता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन यही बनता है कि दोनों जो हैंड्स हैं 12 आवर्स में कितने टाइम्स कोइंसिडेंट रहेंगे, अपोजिट रहेंगे या परपेंडिकुलर रहेंगे, या फिर 24 आवर्स में कितने टाइम्स ये यहाँ पर कोइंसिडेंट रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, साथ ही साथ अपोजिट्स रहेंगे, ये दोनों आपसे पूछा जाने वाला है कंसेप्ट। इसके अलावा आपसे इनमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ नहीं बनने वाला है, ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इस कंसेप्ट में। ओके फटाफट से नोट कर लो जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप डायरेक्टली सारी चीज़ें समझोगे। अब मान लो आपके पास इन एन हवर मिनट हैंड मूव्स, अगर आपके पास हवर, फोर्थ पॉइंट जो है उसका कंसेप्ट समझना, अगर हम हवर की बात करते हैं और मिनट की बात करते हैं, मतलब कि दोनों हैंड्स, ठीक है, एक तो हो गया आपके पास हवर हैंड और एक हो गया आपके पास मिनट हैंड, ये दोनों हैंड 55 मूव्स करते हैं, कितनी मूव्स करते हैं ये दोनों 55 मूव्स करते हैं, मतलब कहने का ये है कि ये दोनों जो हवर्स हैं, ये दोनों हवर 55 मूव्स मूव करते हैं, किसके, मिनट हैंड्स ऑफ हवर हैंड, मतलब कि अहेड मिनट है अहेड ऑफ हवर हैंड, ये दोनों जो हैंड है इसमें हम कह सकते हैं कि 55 मिनट्स क्या होते हैं, हवर हैंड के अहेड मूव्स करते हैं ये, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वापस यहाँ तक, ये जब काउंट करके यहाँ तक पहुँचेगा तब तक कितने मूव्स हो जाएंगे, ये टोटल 55 मूव्स हो जाएंगे। ओके तो ये चारों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। ओके चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, हैंड्स को इनसाइड कब रहने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 8 व्हाट टाइम्स बिटवीन 3 एंड 4 विल बी टू हैंड्स को इनसाइड, 3 और 4 दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो व्हाट टाइम बिटवीन 3 और 4 के बीच में क्या टाइम रहने वाला है जब दोनों हैंड्स कोइंसाइड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, क्या टाइम रहने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है।
और फोर, मतलब 3 बजे और 4 बजे, इन दोनों के बीच में ये जो दोनों हैंड्स हैं ये एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे कब, ये आप देखिए कितने टाइम है ना, ये पूछा गया हमसे। तो 8:03 o'clock द कोइंसाइड, डायरेक्ट निकालना है, देखो किस तरह से निकालोगे। 8:03 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन द टू हैंड्स इज 15 मिनट, मतलब कि 3 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन द 3 o'clock दोनों जो हमारे हैंड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आपके पास, 15 मिनट का है, ठीक है। वेन दे आर 0 मिनट, ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 मिनट का। दे आर कोइंसाइड टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, तो द टाइम टेकन 15 मिनट्स, कितना टाइम लगा यहाँ पर, 15 मिनट्स। तो हमें पता है मिनट हैंड इज 55 मिनट्स, एड्स ऑफ हवर हैंड 60 मिनट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट निकालना है, तो मान लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने मूव्स रहने, 1 आवर में कितने मूव्स रहेंगे ये हवर हैंड के, फटाफट से बताओ, हवर हैंड के रेस्पेक्ट में मिनट हैंड के कितने मूव्स, कितने टोटल टाइम्स मूव्स रहने वाले हैं, 55, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा ये, 60/55, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम 15 मिनट के लिए देखते हैं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 × 15/55। जब हम इसे कट करते हैं, किसे कट करते हैं, 60 × 15/55, तो देखो 5 × 3 = 15, 11, ठीक है। तो फाइनली ये कितना होगा आपके पास, 180/11, 180/11 को आप क्या लिख सकते हो, 16 ½ upon 11 minutes, ठीक है। और ये 3, ये 3 के रेस्पेक्ट में, ओके क्लियर है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4, व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5, 6 एंड 7 एटसेट्रा, तो हम क्या कहेंगे, दोनों हैंड्स कोइंसाइड किस टाइम पे होंगे, इस टाइम पे, ओके क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फटाफट से फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट करो बेटा। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ना कंप्लीट ये। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास हैंड्स एंड अपोजिट, दोनों जो हैंड्स हैं, हैंड्स आर अपोजिट, अपोजिट कब्स रहने वाले हैं दोनों हैंड्स, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए और उस पर्टिकुलर टाइम में आपसे कहा जाए कि ये दोनों हैंड्स एक दूसरे के कोइंसिडेंट कब होंगे, उस टाइम के बीच में ये बताओ, दोनों हैंड्स उस टाइम के बीच में अपोजिट कब होंगे तो ये बताओ, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, 8 व्हाट टाइम बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कौन सा टाइम होगा, विल द हैंड्स, टू हैंड्स आर अपोजिट, जब दोनों हैंड्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो सेम कंसेप्ट, 8:02 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन द टू हैंड्स इज 10 मिनट्स, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दोनों हैंड्स के बीच का वो कितने का रहेगा, 10 मिनट्स का रहेगा, ठीक है क्लियर है। व्हेन दे आर 8:30 मिनट्स डिस्टेंस, और अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां से 12 और 3 की बात करते हैं, देखो 2 से 12 की बात करेंगे तो ये 10 मिनट्स का, ठीक है, और 12 से 3 की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना मिनट का मिलेगा हमें, 15 मिनट्स का। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वेन दे आर 8:30 मिनट डिस्टेंस, जब इनके बीच में 30 मिनट्स का डिस्टेंस होगा तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, हमें पता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस के लिए हमें कितना मिनट का गैप चाहिए, 30 मिनट्स का गैप चाहिए, तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब कि इस तरह से होंगे, और इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, ओके। तो फाइनली द टाइम्स टेकन, तो टोटल कितना टाइम मिलने वाला है यहाँ पर हमें, 30 + 10, ओके, तो ये कितना हुआ, 40 मिनट्स। अब यहाँ पर देखना, हमें पता है मिनट हैंड जो है वो 55 मिनट्स अहेड होता है किसके, हवर हैंड के 60 मिनट्स में, ठीक है क्लियर। तो चलो 1 मिनट के कंसेप्ट को अगर हम समझते हैं तो ये हो जाएगा 60/55, 40 मिनट्स के लिए अगर हम देखते हैं तो फाइनली ये क्या होगा, 60 × 40/45, तो फाइनली 60 × 40/55,
ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 5 से कट कर देते हैं 8 टाइम्स, और ये 11 टाइम्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 अपॉन 11, 480 अपॉन 11 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 43 होल 7 बाई 11, और ये जो 2 है ये किसके रेस्पेक्ट में, ये लो, तो फाइनली 43 होल 7 बाई 11 मिनट्स में ये जो दोनों है 2 और 3 के बीच में, ये क्या रहेंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्ट कंसेप्ट है, अगर ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इन्हें, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो, हैंड्स आर परपेंडिकुलर, ये जो हैंड्स है दोनों, मिनट हैंड और आपका हवर हैंड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कब, 8 व्हाट टाइम्स बिटवीन 4 एंड 5 विद बी टू हैंड्स परपेंडिकुलर, दोनों हैंड्स परपेंडिकुलर होंगे 4 एंड 5 के बीच में, व्हाट टाइम्स किस टाइम, तो ये आपको बताना है। तो सेम कंसेप्ट देखो, 8, 4 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन द टू हैंड्स, हमें पता है, क्या पता है हमें, कि 4 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन द टू हैंड्स, टू हैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर के लिए वो कितना रहेगा आपका, 20 मिनट्स, मतलब कि 4 o'clock द डिस्टेंस बिटवीन, ये 12 है और ये 4 है, तो 1, 2, 3, तो देखो 5, 10, 15 और 20 कितना मिनट्स का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 4 और 12 के बीच में 20 मिनट्स का, तो ये लीजिए 20। लेकिन परपेंडिकुलर के केस में हमें पता है कि वेन दे आर एट 15 मिनट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर कब होंगे इस, ये ठीक है, यहाँ से ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, यही होगा परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 15 मिनट्स का होगा दोनों इसमें हैंड्स में, और 4 o'clock के लिए 20 मिनट्स का होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते हो तो टोटल, अगर हम देखते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, द टाइम्स 5 एंड 30 इक्वल 35 मिनट्स। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं, ये कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 15 और 20 35 आएगा, ये आपके पास 20 आएगा और वो 15 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 20 और 15, 35 मिनट्स। ठीक है, अब हमें पता है काफ़ी अच्छे से, क्या पता है, मिनट हैंड जो है वो 55 मूव्स जो है अहेड होता है किसके, हवर हैंड के, किसमें, 60 मिनट्स में, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, 1 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 अपॉन 15, और यहाँ पर 15 मिनट का क्या होगा, यहाँ पर रेस्पेक्ट में किसके, 15 मिनट्स के रेस्पेक्ट में, 15 मिनट्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कि 16 × 15/55, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 अपॉन 11। फाइनली 35 मिनट्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तो 35 मिनट्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, बेटा ये सही है, यहाँ पर 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 और 4 के बीच में जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, ओनली ऑन 5 का ही रहेगा आपके, ठीक है, 5 मिनट्स का ही। तो फाइनली आपने पहले किसके लिए निकाला, 1 मिनट के लिए, फिर आपने यहाँ पर किसके लिए निकाला, 5 मिनट्स के लिए, फिर आपने किसके लिए निकाला, टोटल 35 मिनट्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो फाइनली इस तरह से आप परपेंडिकुलर वाला जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसको भी नोट करना है तो नोट कर लो आप जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। चले, चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मिरर इमेज, किसी भी क्लॉक की अगर आपसे डायरेक्ट मिरर इमेज पूछी जाए तो किस तरह से आप मिरर इमेज फाइंड कर सकते हो, सोचो, मिरर इमेज अगर आपको पूछा जाए तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, अगर आपको पता है कि हमें अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ दिया हुआ है तो मिरर में 7 उल्टा दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ वो राइट हैंड साइड दिखता है, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड दिखता है, जैसे कि आपने गाड़ियों पे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है काफ़ी सारे, जो एम्बुलेंस जो होती है उस पर एम्बुलेंस उसी मिरर इमेज के फॉर्म में लिखा होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लॉक का जो है वो मिरर इमेज चेक करना है। ठीक है, इफ द टाइम इज बिटवीन,
इफ द टाइम इज बिटवीन 1 to 11 o'clock, 1 to 11 मतलब कि 1 से लेकर ये पूरा कहां तक 11 तक, ठीक है, 1 to 11 o'clock के बीच में अगर आपको मिरर इमेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पीएम से लेकर एएम, 1 PM से 11 AM के बीच में अगर आपको यहां पर फाइंड करना है मिरर इमेज किसका, किसी भी क्लॉक का, तो फाइनली आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसे किसमें से, 11:60 में से, किसमें से, 11:60 में से, ठीक है, या फिर आप इसे फाइनली 12 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप 12 भी लिख सकते हो, क्योंकि 11:60 का मतलब क्या हुआ, 12 ही तो हुआ ना, क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्लॉक का मिरर इमेज फाइंड करने के लिए बोला जाए कि ये आप एक पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए और इस टाइम का आप मुझे बताइए कि मिरर इमेज क्या बनने वाला है, तो आपको क्या चेक करना है यहाँ पर कि वो जो टाइम हमें गिवन है क्या वो टाइम 1 PM से 11 AM के बीच में है, हाँ या ना, 1 PM से 11 PM के बीच में है, हाँ या ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उसे 12 में से माइनस कर दोगे या 11:60 में से माइनस कर दोगे, ओके, तो आपको उसका क्लॉक इमेज, जो क्लॉक है उसका मिरर इमेज फाइंड हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द टाइम्स इज बिटवीन 1 to 11, 11 to 1, अगर आपके पास टाइम 11 से 1 के बीच में है, देन टू फाइंड द मिरर इमेज, और आपको मिरर इमेज फाइंड करना है तो टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23:60, ठीक है, तो आप इसे 23:60 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दोनों कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी और बहुत ज्यादा इजी है, 1 to 11 और 11 to 1, ठीक है, 1 से 11 के बीच में अगर टाइम है तो आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे इसे, 11:60 या 12 में से, ठीक है, और अगर आपके पास 11 टू 1 के बीच में टाइम गिवन है तो 23:60 में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो स्टार नजर आ रहा है, ये आपको बॉक्स में जो बना हुआ नजर आ रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, चले आगे, ओके। चलो अब जैसे देखो, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, द टाइम्स इन द क्लॉक 4:46, मतलब कि 4 घंटे तो 4 तो पूरी बच चुके हैं और 46 क्या है इसमें मिनट से, ये 4:46, अब आपको तो पता है ये आपकी क्या है, हवर्स एंड है, ठीक है, और ये आपके पास मिनट हैंड है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 4:46 मैंने क्या बताया, अगर आपके पास 1 to 11 के बीच में टाइम है, 1 to 11 के बीच में टाइम है, तो आपको इसे सेपरेट करना है किससे, 11:60 से या 12 से, क्लियर है। तो चलो सेपरेट कर दो, ये 11:60 माइनस टाइम क्या है, 4:46, ठीक है। चलो 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितने रह गए, 5, 5 में से 4 गए तो 1, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्ट कितना बचेगा, 7, तो फाइनली इसका मिरर इमेज जो बनेगा 4:46 का जो मिरर इमेज बनेगा वो बनेगा 7:14 पर, ओके, क्लियर है, ये चेक करो फटाक से। अगर आपको डायरेक्ट 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 12 में से भी कर सकते हो, देखो क्या है 4:46, तो ये फाइनली 0:00 हो जाता, 0:00 हो जाएगा तो 1 वहाँ उधर कैरी जाएगा, तो फाइनली इधर से तो मिलेगा हमें 14, और इधर कितना बचा हमारे पास, 11 में से 4 गया तो 7, तो फाइनली दोनों का आंसर तो हमारा क्या आ रहा है, सिमिलर ही आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा है टाइम का ध्यान रखना, बस टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, 1 to 11 दिया हुआ है या 11 to 1 दिया हुआ है, 1 to 11 में 11:60 और इसमें आपके पास है 23:60, बस इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। चलो नेक्स्ट, द टाइम्स इन द क्लॉक 12:35, फटाफट से बताओ अब टाइम क्या है, ये 1 से 11 के बीच में है या 11 से 1 के बीच में है, भाई ये टाइम जो है 11 टू 1 के बीच में है। अब हमें पता है
कि 11 से 1 के बीच का जो टाइम है उसे किससे सेपरेट करना है हमें, ये देखो आ जाओ फटाफट से, 11 से 1 के बीच में जो टाइम है उसे 23:60 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 23:60 माइनस 12:35, ठीक है। तो यहाँ से 25 तो इधर रहा और ये रहा आपके पास 10, तो 10:25 ये जो रहेगा इसका मिरर इमेज रहेगा। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना, चले आगे हम, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमें किन्हीं भी टू हैंड्स के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है, क्या करना है, एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए कि कितने डिग्री का आपके बीच दोनों हैंड्स के बीच में एंगल फाइंड करो कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप ये बताओ मुझे, परपेंडिकुलर में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है कि उनके बीच में 30 डिग्री का जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में 180 का बनेगा, अरे भाई 90 का बनेगा। अपोजिट में 180 का बनेगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 का ही तो बन रहा है, ठीक है, चाहे इधर हो, और अपोजिट में 180 का। ओके यहां तक सारी चीजें क्लियर है या कोई दिक्कत नहीं। चलो और फिर देखो इसको, मिनट हैंड मूव्स 30 डिग्री इन 5 मिनट, हर एक जो मिनट हैंड होता है वो 5 मिनट्स में कितना मूव करता है, 5 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो 30 डिग्री मूव करता है, ठीक है, एंड 360 डिग्री इन 1 आवर, और 1 आवर में ये 360 डिग्री मूव करता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, और साथ ही साथ अगर हावर की बात करते हैं तो 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री मूव करता है 5 मिनट्स में, 360 डिग्री मूव करता है 1 आवर में, ठीक है। इट मूव 6 डिग्री इन 1 मिनट, हावर हैंड मूव 30 डिग्री 1 मिनट, हावर हैंड में कितने डिग्री मूव करेगा, 30 डिग्री इन 60 मिनट, 60 मिनट्स के रेस्पेक्ट में। इफ 1 मिनट इट्स मूव 0.5 डिग्री, और अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो वो कितने डिग्री मूव करेगा, 0.5 डिग्री। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर एंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि दोनों ही आपके पास में यहाँ पर हैंड्स हैं और उनके बीच में आप एंगल फाइंड करो, तो किस तरह से करोगे। ओके चलो, अब हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स जो हैं इनके टाइप्स किस तरह के होते हैं। एंगल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो इट इज ऑब्टेंड बाय मूविंग फ्रॉम 1 आवर एंड 2 मिनट हैंड, ठीक है। पॉजिटिव एंगल जो रहेगा वो हावर हैंड से मिनट हैंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, हावर हैंड से मिनट हैंड की तरफ। नेगेटिव फ्रॉम मिनट हैंड टू हावर हैंड, देखो पॉजिटिव एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल हावर हैंड से मूव करेगा मिनट हैंड की तरफ, और नेगेटिव एंगल जो है मिनट हैंड से मूव करेगा हावर हैंड की तरफ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया भाई, अगर यू चल रहा है तो पॉजिटिव है, न्यू जा रहा है तो नेगेटिव है, इतनी सी बात ध्यान रखना बस। ओके चलो, नोट, दोनों चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोट है वो ये देखो, बोथ टाइप्स ऑफ एंगल्स आर 360 डिग्री इन टोटल, इफ वन एंगल इज नॉन अदर कैन बी ऑब्टेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 360। मतलब कि आपको डायरेक्ट दे दिया जाए कि मान लीजिए आपको यहाँ पर बताना है कि डायरेक्ट आप किस तरह से एंगल्स फाइंड करोगे दोनों के बीच में, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है कि अगर आपके पास मिनट ऑफ गिवन टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, 1/2, अगर आपके पास मिनट हैंड जो है उस जो भी मिनट दिया हुआ है उसे आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसे, 5 होल 1/2 से, और हावर हैंड जो दिया हुआ है उसे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 30 से, देन मतलब कि इसको आप कह देते हो ए और इसे आप कह देते हो बी, और यहाँ पर अगर आप ए माइनस बी दोनों कर देते हो ए माइनस बी, तो फाइनली आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड हो जाएगा। समझ में आया पूरा, हाँ या ना, नहीं, वापस से सुनो, अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है तो आप क्या करोगे, मिनट हैंड है उसको तो आप ए मान लो, लेट कर लो ए, और उसको मल्टीप्लाई करो किसे, 5 होल 1/2 से, और जो आपका हवर हैंड है उसे आप मल्टीप्लाई करो 30 से, बी मानकर, फाइनली ए और बी की जो वैल्यू मिलेगी
उन दोनों वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको फाइनली इसका आंसर फाइंड हो जाएगा, यही आपको यहाँ पर करना है। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो फटाफट से जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसे देखो, 8 4 आवर 30 मिनट्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉर्म्ड बिटवीन हवर हैंड। मतलब कि हमें यहां पर क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अब एंगल किसके बीच में फाइंड करना है, हवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, किस टाइम पर, 4:30 पर। देखो 4 जो है ये आपके पास हवर हैंड है, 30 जो है ये आपके पास मिनट हैंड है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हम एल ऐड कर लेंगे किसे, मिनट हैंड को, और मिनट हैंड जो हमें गिवन है अगर उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे, 5 होल 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 2 10 और 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11 11/2। तो या फिर आप चाहो तो इसको कट कर दो 15 टाइम्स, ठीक है, इसको कट करके आप अगर सॉल्व करते हो तो फाइनली कितना हो जाएगा, 30 × 11/2 ये इक्वल यहाँ से मिलेगा आपको 30 × 11/2, 30 × 11/2 का मतलब हो गया 15। तो यहाँ से ए इक्वल मिलेगा 15 × 15 = 5 कैरी गया 10, 15 × 15 = 10 60, तो 165। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 165। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालते हैं, और बी को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हवर एंड को आप मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो ये कितना हो गया आपके पास 120। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है, ए कितना है 165, बी कितना है हमारे पास 120। तो फाइनली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करोगे तो 45 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 45 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। 430 पर इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, 8 3 = 15, व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन हवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखो 3 क्या है आपके पास, हवर हैंड, 15 क्या है आपके पास, मिनट हैंड। अब आपको पता है एक किसे लेट करोगे आप, मिनट हैंड को, और इसको 15 होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, मिनट हैंड को, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 11/2 × 15, ठीक है। तो समथिंग ये मिलेगा आपको 165/2, मतलब कि 82.5, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, हवर हैंड को आप लेट करोगे बी, और बी को आप मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे आप, 30 से, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, बिल्कुल। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा आपके पास 90, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 82.5 - 90, तो फाइनली ये रहेगा आपके पास माइनस का 7.5 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, माइनस के 7.5 डिग्री का। ओके चलो नेक्स्ट देखो, एक ट्राइड वर्कर, आपके पास एक वर्कर है, ठीक है, कौन है, एक वर्कर है, और क्या कहा जा रहा है ये देखो, ए ट्राइड वर्कर स्लिप्ड एट 7:45 PM, 7:45 पर वो सो जाता है, ही राइज एट 12 नून, और कब तक सोता है वो, 12 नून तक, फॉर हाउ मेनी हावर्स डिड ही स्लिप, तो वो कितने घंटे सोएगा। तो देखो 7:45 पर, ठीक है, 7:45 पर वो सो रहा है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं 15 मिनट, तो फाइनली कितने बज गया, 8 बज गया। अब 8 से 8 कब तक सोता है वो, 12 बजे तक, ठीक है। तो फाइनली 8 से 8 कितने हो गए, 12 आवर्स तो ये हो गए, ठीक है। फिर 12 तक, तो 8 to 12 कितने हो गए, 4, तो फाइनली ये तो हो गया 16 आवर्स, और आपने यहाँ कितना ऐड किया था, 15 मिनट, तो 16 आवर + 15 मिनट्स, ठीक है। तो फाइनली वो 16 आवर 15 मिनट्स टोटल सोता है। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ,
फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप इसे। यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक परपेंडिकुलर इन अ डे, एक डे में कितने टाइम्स परपेंडिकुलर रहेगी आपको पता है, 44 टाइम्स। 24 आवर्स में कितने टाइम्स लिखा है, 44 टाइम्स। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का केस है। ओके, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। क्या करना है आपको, इसका मिरर इमेज बनाना है। अभी मैंने आपको बताया था मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर कोइंसाइड बताना है आपको, क्या बताना है, दोनों जो हैंड्स है वो कोइंसाइड रहेंगे एक डे में कितने टाइम्स, 12। वन डे में ये रहेंगे 22 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आपको व्हाट टाइम्स वॉज द अनाउंसमेंट में, मतलब कि किस टाइम पर अनाउंसमेंट होगा, ये कंसेप्ट आपको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको 5 और 6 के बीच में बिटवीन कितने मिनट का डिफरेंस है ये आपको देखना है फटाफट से। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इनका जो थ्योरी कंसेप्ट है ये सारा हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपका सारा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है। सिर्फ आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि किस तरह से सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए थे, उन्हीं के बेसिस पर आपको इन्हें सॉल्व करना है। और आपको क्या करना है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।